अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों मैं पहले आपको चार से दिखा देता हूँ, उसके बाद ये 533 नंबर ओपन हुआ है तीन बार ही। फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है 1983 में, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्रॉस में नीचे को 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, अच्छा 8 यहाँ क्रॉस में आना है। यहाँ से देख लें एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 और ये 10, यानी 8 क्रॉस में आना है, फिर इसके नीचे 9 और ये 10, तो यहाँ पर रिजल्ट आया 835। सेकेंड टाइम दोस्तों ये 2009 में ओपन हुआ 533, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पे आया 816। अभी दोस्तों थर्ड क्या है, 533 ओपन हुआ है, उसके बाद दोस्तों 2011 में यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 564 पे 8 हुआ, फिर 9 8 6 7 पे आ गया, अभी 10 जहाँ पे रिज़ल्ट आना है। तो ये दोस्तों मैंने लिख के रखा हुआ है। अच्छा जब ये रिज़ल्ट आया, इससे पहले दोस्तों एक चीज़ हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले 835 से पहले क्या हुआ कि यहाँ पे एक ओपन पेयर जो लगा वो 6-1 का था, यानी ओपन में 6 आया तो उसका होम लास्ट में आया, 6-2-1 रिज़ल्ट आया। यहाँ पे दोस्तों 6 से एक बढ़ के 7 होता है, तो 7 का पेयर लगा और उसका होम 2 गेम में आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8 का पेयर लग 8 लगना था, उस 6-7-8 की राउंड बनी, तो उसके बाद 1 2 और 3, यानी कि उनका आगे लास्ट में फैमिली लगी 6-1-7-2 और 8-3। ठीक है दोस्तों, उससे आगे दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त, वो ये है कि दोस्तों यहाँ पे देखें ये तीन डिजिट को हम, पहले तो ये 6-1-7-2 और 8-8-3 हो गया ना, ये अभी ये डिजिट देख लेते हैं, ये 7-2 है इससे पहले, ठीक है 7-2 और 6 का लग के बना 5, फिर ये 1-8 और 7 के साथ बना 6, और फिर 6-3 और 8 के साथ बना 9। अच्छा अभी इन डिजिट्स को हम देखें अगर गौर से, तो ये लगा 7-2, ठीक है हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये 7 और ये 2, या इस तरह लिख लेते हैं ये 2 और ये 7 2 और 7। उसके बाद यहाँ पे लगा 8-1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 और ये 1। यहाँ पे लगा 6 और 3, तो ये बल्कि जिस तरह लिख रहे रूटीन वाइज, तो ये 3 और ये 6। यहाँ पे देखें दोस्तों वही सिस्टम हुआ, 2-7-8-3 और ये 1-6, यानी कि वो सेम फैमिली वाले डिजिट इसके क्रॉस में पहले लगे, ये 2-7 के साथ 9 बना, ये 1-8 के साथ 9 बना, और फिर ये 6-3 के साथ वही सेम डिजिट, फिर ये 1-6 यहाँ पे आके लगा, फिर ये 2-7 यहाँ पे आके लगा, और ये बैलेंस 8-3 था तो ये यहाँ पे आके लगना था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, ये 5 बना तीनों का, ये बना 6 और ये 7 बनना था, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अभी जो हमारी गेम, अभी जो रिसेंट जो ओपन होने वाला है सेट, तो उसके लिए तो देखें दोस्तों ये एच में आया 8, इसके क्रॉस में लगा 4 और यहाँ पे भी लगा 4, तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे दोस्तों 4-4 और 8 के साथ बना 6, ये बना 6 जिस तरह ये 5 बना था, तो यहाँ पे बना 6, और जब यहाँ पे ये तीनों का 6 बना दोस्तों, तो यहाँ पे 2-7-2 और 8 के साथ बना 7, ठीक है ये 5 तो ये 6, ये 6 तो ये 7। अभी अभी ये तीनों का 7 हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे 8 बनाने के लिए भी हमें 8 ही चाहिए, ठीक है इस तरह देखें ये 6 ये 7 और ये 8, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ला ये पेड़ पे। अच्छा पहले ये देख लें ये ओपन पेयर दोस्तों क्या है, 8-5 का ये ओपन में लगा, फिर ये ओपन पेयर है दोस्तों 8-1 का,
तो ये फर्स्ट में लगा, अभी ओपन पेयर है 2-6 का, तो ये कहाँ लगे दोस्तों, ये लगे यहाँ पे 8-4। ठीक है, जब ये 8-4 लगे, अच्छा इसमें दोस्तों हम दोनों चीज़ों को रखेंगे साथ में, वैसे तो सीधा सीधा 8-4 ही बन रहा है, लेकिन 8-3-4 भी, और उसके बाद 8-2-3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रूटीन जो चल रही है उसके हिसाब से, लेकिन जो करेक्ट है वो ये है, क्योंकि देखें जब ये चीज़ लगी, ये ओपन पेयर आया 8-5 का ओपन में, ये 8-1 का पेयर तो ये फर्स्ट में, उसके बाद ये 2-6 का पेयर तो ये लास्ट में ही आना चाहिए था, तो इसीलिए यहाँ पे उसने 8 नहीं रखा। उसके बाद देखें दोस्तों, ये 8 जब अपनी रूटीन में एच में आता है, फिर ये इस तरफ से भी देखें 4-3 और 8 के साथ ये बना 5, 5 में प्लस 8 करेंगे तो दोस्तों ये 3 का बना 3, अब 3 में प्लस 8 करेंगे दोस्तों तो ये 1 भी होना चाहिए, तो उस रूटीन से भी 8 ही कन्फर्म हो रहा है इस रूटीन से। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये वैसे तो यहाँ पे देखें 8 लास्ट पेयर क्या है, 8 का है, तो नीचे भी 8 का पेयर आया, ये ऊपर 7 का है, लेकिन नीचे भी 7 का आया, अब यहाँ पे 3 का पेयर है दोस्तों, तो रूटीन वाइज तो 3 का ही पेयर आना चाहिए, तो उस चीज़ को अगर देखें दोस्तों तो 3 का भी पेयर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें एक और चीज़ भी दोस्तों देखें कि जब ये 8-5 से पेयर आया, तो इससे पहले जो 8-5 का पेयर था, ये लास्ट डिजिट क्या था, 5, तो ये नेक्स्ट ड्रा में आया वही डिजिट लास्ट में आ गया, ये 5-5 और ये 5, फिर यहाँ पे देखें दोस्तों यहाँ पे 8-8 और ये 8, यहाँ पे 1-1 और फिर ये 1, यानी दो जो दोनों यहाँ पे दोनों बार क्या हुआ, 8-5-8-5, तो ये नीचे 8-5, ये 1-8-1-8, तो यहाँ पे 1-8, अब यहाँ पे एक ही डिजिट निकल रहा है दोस्तों, वो है 2 का, ये 2-2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो उसके साथ दोस्तों अगर तो उस रूटीन को फॉलो करें, तो फिर तो ये भी हो सकता है कि ये या पेयर यहाँ से ले ले या यहाँ से पेयर ले ले, तो वैसे अगर टोटल वाइज रूटीन वाइज देखें तो यहाँ पे 8-2-1 का भी सेट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें लास्ट पेयर 3 का, जैसे यहाँ पे 8 का था तो नीचे 8 का आया, फिर ये 7 का था तो नीचे 7 का, यहाँ पे 3 का था तो 3 का पेयर आना चाहिए, उस रूटीन से तो ये हो सकता है कि ये 2-1 का पेयर ले सकता है, बहरहाल गेम है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अगर सिर्फ सिंपल यहाँ से देखें तो ये लास्ट पेयर 8 का, ये लास्ट पेयर 7 का, तो ये लास्ट पेयर 6 का, तो इस रूटीन से फिर देखें टोटल लगा 6 का, ये टोटल लगा 5 का, यहाँ पे टोटल लगे 4 का, तो रूटीन वाइज तो दोस्तों ये टोटल और सेट ये बन रहा है। अच्छा अभी अब दूसरे एंगल से इसको देखते हैं, ये दोस्तों 3H में लगा, तो ये 4-4 और 5 के साथ 3 कंप्लीट हो गया, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चले, बहरहाल इस चीज़ को हम छोड़ भी देते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपसे क्लियर किया, सॉरी शेयर किया, वो ये है कि 8 जो है इस रूटीन से बहुत स्ट्रॉन्ग है एच में, और उसके साथ 8-4 सेट बन रहा है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा दोस्तों जिन दोस्तों ने मेंबरशिप लेनी है वो आज जो है रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, अभी स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, क्योंकि इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग गेम है मेरे पास और इंशाल्लाह आएगी भी, तो दोस्तों जिन दोस्तों ने भी गेम के लिए रब्ता करना है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस मेरे नंबर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा दोस्तों सॉरी एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि यार लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक सिंगल ही टोटल दिया था यूट्यूब में फ्री में, तो उसके बाद भी आप दोस्त कुछ दोस्त बोलते हैं यार के देखें जी के हमें इस बार दें, अगर टोटल आएगा तो नेक्स्ट टाइम मेंबरशिप, यार तो हर बार फ्री में ही मिलेगी गेम, आपको खुद भी सोचना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अगर काम मेहनत करके आपको गेम देता हूँ, तो उसके बाद भी अगर आपको
डेमो ट्रायल का ही है, तो फिर मुझसे कांटेक्ट ना करें। जिन दोस्तों ने मेंबरशिप लानी है वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।